आज के टाइम में इन्वेस्टर्स, एंजल इन्वेस्टर्स बिजनेस के अंदर पैसा डालने को तैयार नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये कि आज के टाइम में जो स्टार्टअप के फाउंडर हैं ना, वो इंटरनेट के ऊपर जाते हैं, कुछ अच्छे आइडियाज़ को देखते हैं, उनको लगता है ये आइडिया मैं भी कर सकता हूँ। शार्क टैंक इंडिया चल ही रहा है, उसके ऊपर भी जाते हैं, वहाँ वीडियोज़ देखते हैं और वो इंस्पायर हो जाते हैं, खुद का बिजनेस लॉन्च कर देते हैं। उनको पता नहीं होता कि बिजनेस प्लान कैसे बनता है, टीम मैनेजमेंट कैसे होता है, ROI कैसे निकलेगा, कोई सिस्टम प्रोसेस बिजनेस का प्लान नहीं होता, उस चक्कर में वो फेल हो जाते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको बिजनेस का प्लान बनाना है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट को सोचना है, क्योंकि अगर आप बिजनेस सोच रहे हो तो बिजनेस इज ऑल अबाउट सिस्टम एंड प्रोसेस, नॉट कि आप एक दुकानदार की तरह माल बेच के पैसा कमाओगे। मैं हूं भापरी सिंह सोनी, कॉर्पोरेट लॉयर कंसल्टेंट, और मैंने IIM से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करा है, जहां पर मैंने CEO से सीखा है कि स्ट्रेटेजीज कैसे बनाई जाती है, बिजनेस प्लान कैसे बनाए जाते हैं और कैसे आपको अपने कंपनी के अंदर बिजनेस के अंदर प्लान को बनाना है और उसको एग्जीक्यूट करना है। क्योंकि स्ट्रेटेजी आप बनाते हो, प्लान आप बनाते हो, एग्जीक्यूट कितना होता है, आज प्लान बनाओगे कल भूल जाओगे, तीसरे दिन कोई नई चीज़ कर रहे होंगे। आज की वीडियो में यही आपको समझाऊंगा कि प्लानिंग कैसे होती है, स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है और कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि मैंने भी मेरी कंपनी को इसी की मदद से स्केल करा, मेरे लॉ फर्म्स को, लीगल टेक को, हर चीज़ के अंदर मैं यही स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ। तो आइए इस वीडियो को चालू करते हैं। अगर आप लोग बिजनेस प्लान बना रहे हो तो सबसे पहली चीज़ आपका प्रोडक्ट, क्योंकि देखिए बात को समझिए, जब आप बिजनेस को चालू करते हो ना, आप बेचोगे क्या, सेल क्या करोगे, क्या इनोवेशन कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट क्या है। अगर आप एक एवरेज प्रोडक्ट लेकर आए हो जिसके बीच में कस्टमर्स की डिमांड नहीं है, आउट ऑफ मार्केट हो चुका है, आज के टाइम में आप रील वाले कैमरा बेचोगे कौन लेगा, कोई नहीं लेगा, डिजिटल कैमरा आउट हो चुके हैं, स्मार्टफोन का मार्केट आ चुका है, तो आपको ये देखना है मार्केट में क्या चल रहा है, आपका प्रोडक्ट क्या है, आप इनोवेशन क्या कर रहे हो, कस्टमर की प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हो। भले ही उस पर 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल ले लो, फाउंडर्स लेते हैं, मैं भी मेरा टाइम लेता हूँ, प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखो मार्केट के अंदर बेचने वाले लोग हैं, सेल्स टीम मिल जाएगी, लीड्स टीम मिल जाएगी, टेक के वेंडर्स हैं, लीगल की टीम मिल जाएगी, हर चीज़ के लिए लोग अवेलेबल है, बट प्रोडक्ट का इनोवेशन, उसकी R&D वो स्ट्रांग होनी चाहिए। क्या आप किसी कस्टमर की डिज़ायर को फुलफिल कर रहे हो, जैसे लग्जरी ब्रांड करती है ऑडी, BMW, नाइकी, पूमा, एप्पल, सैमसंग, ये लग्जरी ब्रांड है, ये कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती है, ये डिज़ायर को फुलफिल करती है। तो आपको ये भी देखना है प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, डिज़ायर को फुलफिल कर रहे हो, नीड को फुलफिल कर रहे हो, या किसी कस्टमर को सेटिस्फेक्शन दे रहे हो। जैसे अल्कोहल की ब्रांड है, आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, उल्टा प्रॉब्लम बढ़ा रही है, बट कंज्यूमर पी के एकदम चिल हो जाता है। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि आप बेच क्या रहे हो, कौन आपका कस्टमर है, तभी आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाते जाओगे। और देखिए अगर आपके प्रोडक्ट स्ट्रांग नहीं है, उसकी आपको नॉलेज नहीं है और रॉन्ग प्रोडक्ट आपने चूज़ कर लिया, तो होगा क्या, प्रोडक्ट आपने लॉन्च करा, स्ट्रेटेजी आपने बनाई, टीम आपने लगा दी, फिर देखा माल तो बिक नहीं रहा, चल ही नहीं रहा है, प्रोडक्ट आपने चेंज करा, स्ट्रेटेजी चेंज करी, लोगों का ले ऑफ कर दिया, नए लोग वापस लेकर आए, तब स्केल नहीं कर पाओगे, आप बार बार टीम को चेंज करते रहोगे। आपको सस्टेन करने के लिए, धंधे में आगे बढ़ने के लिए प्रोडक्ट पे पहले फोकस करना है कि मैं बेच क्या रहा हूँ, मार्जिन है या नहीं है, सनसेट इंडस्ट्री या सनराइज इंडस्ट्री है, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसका ध्यान रखना। और अगर आपने बिजनेस के अंदर स्ट्रांग पॉलिसी नहीं बनाई, स्ट्रांग प्रोसेस नहीं बनाए, तो भी आप फेल हो जाओगे, फंड रेस कितना ही कर लो बार बार फेल होंगे। तो पॉलिसी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, तभी आप बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं। दूसरी चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है स्केल अप के टाइम पे, वो है टीम एंड स्ट्रक्चर। एक चीज़ को समझो, हर चीज़ बिजनेस स्टार्टअप में आप खुद नहीं कर सकते हो, छोटा स्टार्टअप हो, बिजनेस हो, स्केल करना है तो आपको लोग चाहिए, जितने हाथ आपके लिए काम करेंगे उतना पैसा बनाओगे। एग्जाम्पल सब समझाता हूँ कि टीम का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। लेट सपोज सेल्स टीम आपको बढ़ानी है, अब एक बंदे से आप करोड़ों की सेल एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, आपको उसके लिए बहुत सारे लोग चाहिए। अब स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये समझाता हूँ। लेट सपोज आपने 500 लोग हायर करे, ये ग्राउंड फ्लोर के लोग होंगे, सबसे नीचे के लोग 500 लोग। अब स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा कि जो 500 लोग हैं ना, उनमें से हर 50 लोगों का ग्रुप एक मैनेजर को रिपोर्ट करेगा। तो अब आपको चाहिए 500 लोगों को हैंडल करने के लिए 10 मैनेजर, 50 लोग एक मैनेजर को रिपोर्ट कर रहे हैं, और 5 मैनेजर मतलब 500 लोगों के ऊपर 10 मैनेजर आ गए। अब उनमें से 5 मैनेजर का एक ग्रुप मिलके एक सेल्स हेड को रिपोर्ट करेगा, तो आपके पास 10 मैनेजर हैं। तो अब आपको 2 सेल्स हेड चाहिए, और 2 सेल्स हेड या तो आपकी कंपनी के अंदर सेल्स के डायरेक्टर को रिपोर्ट करेंगे या वाइस प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेंगे। अब अगर सेल्स हेड बढ़ते जा रहे हैं, नीचे की टीम बढ़ गई, 10,000-20,000 बंदे हो गए, तो आपको सेल्स के डायरेक्टर बढ़ाने पड़ेंगे, वाइस प्रेसिडेंट कंपनी के अंदर बढ़ाने पड़ेंगे, जो आपको अल्टीमेटली रिपोर्टिंग देंगे। तो अगर स्ट्रक्चर शुरुआत से क्लियर है और परफॉर्मेंस बेसिस के ऊपर आपको टारगेट्स लगाने, नंबर्स लगाने हैं, उनकी ग्रोथ देनी है। क्योंकि देखो नीचे वाला जो बंदा है 500 लोगों में काम कर रहा है, उनमें से एक बंदा है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, 10 लाख का टारगेट था, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख ले आया,
तो आप पॉलिसी बना दो कि अगर आपने डबल टारगेट अचीव कर लिया कंटिन्यूसली 6 महीने तक तो आपका प्रमोशन हो गया, फिर आपने अपनी टीम से डबल टारगेट अचीव करा लिया फिर आपका प्रमोशन हो जाएगा। पॉलिसी पहले से बना के क्लियर कर दो और टीम को हैंड ओवर कर दो जिनसे बाद में उनको दिक्कत है और नंबर से ट्रैक कर पाओ। और देखिए जब धंधा बड़ा होता है स्केल होता है 100 लीड बहुत छोटी लीड होती है, आपको लीड बढ़ानी है बिजनेस के अंदर, आपने 10,000 लीड्स कर लिए उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, उसके लिए आता है सेल फोर्स को यूज़ करो और बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं मार्केट के अंदर बहुत सारे वेंडर्स हैं उनसे आप लीड्स की क्वालिटी, फॉलोअप की क्वालिटी, कॉल की क्वालिटी, कस्टमर कन्वर्जन की क्वालिटी, एरिया की क्वालिटी, प्राइस की क्वालिटी, हर चीज को चेक कर सकते हो। अब ये चीज को समझना जरूरी है, शुरुआत में ही सारे सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, लेटर ऑन जरूरत पड़ती है क्योंकि आपने स्केल अप करा, फॉलोअप नहीं हुआ, कन्वर्जन नहीं हुआ, सिस्टम क्रैश मार जाएगा, पहाड़ी से सीधा नीचे गिरोगे, तो सॉफ्टवेयर भी जरूरी है। तीसरी चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसके अंदर मैंने भी गलती कर दी थी स्केल अप के टाइम पे, मैंने इससे काफी सीखा है, आपको मिस्टेक नहीं करनी है, ट्रैकिंग नंबर्स एंड फोकस। देखो बिजनेस बिल्ड करना, स्केल करना इजी है, सस्टेन करना बहुत दिक्कत वाला काम है। थर्ड स्टेप होता है बिजनेस के अंदर, जब आपने सब कुछ बिल्ड कर लिया, स्केल कर लिया, कौन से आपके की नंबर से जहाँ पे आपको ट्रैक करना है उसके लिए गूगल मीट के रिमाइंडर्स लगाओ कि मंडे को रिव्यू मीटिंग होगी, टारगेट मीटिंग होगी, वीकली टारगेट सेट करने हैं, सैटरडे को रिव्यू मीटिंग होगी कि इस वीक के टारगेट अचीव हुए या नहीं हुए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर क्या चल रहा है, सेल्स का स्कोर क्या चल रहा है, कन्वर्जन का स्कोर क्या चल रहा है, लीड्स कितनी कन्वर्ट हो रही है, कितनी रेड येलो ग्रीन ये हो रही है। अब मेरे साथ मिस्टेक क्या थी, मैंने स्केल अप तो कर लिया रेवेन्यूज को बट ट्रैक नहीं करा नंबर्स को, उनसे क्या होता है वो नंबर्स लूज होते हैं और आपका उन नंबर्स पे ध्यान तब जाता है जब वो बहुत नीचे गिर जाती है सेल्स टीम, या बहुत ज़्यादा नंबर्स नीचे गिर जाते हैं तब हमारा उस पर फोकस जाता है, तब तक सारा खेल खत्म हो चुका होता है, काम तमाम हो चुका होता है, उस समय वापस बिल्ड करना, वापस खड़ा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उन डिपार्टमेंट्स को। तो आपको डिपार्टमेंट के नंबर्स को शुरुआत से ही ट्रैक करना है, वहाँ सारा फोकस रखना है, नंबर हल्के से भी डाउन जा रहे हैं, आउट ऑफ रेंज जा रहे हैं, सीधा उनको ट्रैक करो और देखो वहाँ दिक्कत क्या आ रही है, कौन परफॉर्म नहीं कर रहा, जो परफॉर्म नहीं कर रहा उस लीडर को हटाओ, रिप्लेस करो। इंडिया में 150 करोड़ की जनता है और लोग काम करने वाले मिल जाएंगे, प्रोसेस क्लियर होना चाहिए, सिस्टम क्लियर होनी चाहिए, प्रोडक्ट आपका अच्छा होना चाहिए, सॉलिड लीडरशिप होनी चाहिए, बिजनेस अपने आप रन करता है। सो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ अब आपको समझ में आया होगा बिजनेस का प्लान कैसे बनाया जाता है, और अगर आप चाहती हो कि मैं एक्सेल शीट के ऊपर एक्सप्लेन करूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर या ऑन डॉक फाइल की ऐसे ऐसे बनाया जाता है, ऐसे ऐसे लिखा जाता है और ऐसे डेलीगेट होता है, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताओ, फिर हम एक्सेल शीट के ऊपर डॉक फाइल के ऊपर हर चीज़ को लेकर आएंगे, कुछ स्टार्टअप के केस स्टडी लेकर आएंगे, उनके बिजनेस प्लान्स को लेकर आएंगे कि कैसे 150 बनने का प्लान बनाया जाता है, एग्जीक्यूट करा जाता है, फंड रेज किया जाता है, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगे, तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता देना, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के हिसाब से लेकर आऊँगा। अगर आपको मेरे से कनेक्ट होना है तो इंस्टाग्राम पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं @भोपरीसोनी के ऊपर, या फिर लिंक्डइन के ऊपर मेरे को फॉलो कर सकते हैं @भोपरीसोनी। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को इतना पेरेंट्स सपोर्ट दिया उसके लिए धन्यवाद।